नमस्कार, आप सबका मधु की रसोई में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पालक के पकोड़े। पालक के पकोड़े में लगने वाली सामग्री है 250 ग्राम ये बेसन, 100 ग्राम कॉर्नफ्लावर, आधा चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट यानि अदरक लहसुन का पेस्ट, और एक कटोरी 150 ग्राम पालक बारीक काटा हुआ, एक प्याज काटा हुआ, 3 हरी मिर्च बारीक काटी हुई, नमक स्वाद अनुसार, चुटकी हुई हींग और आधा चम्मच अजवाइन, और तलने के लिए सरसों का तेल। सरसों के तेल में पकौड़े टेस्टी बनते हैं, इसलिए हम सरसों का तेल का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हमने एक बर्तन लेना है, बर्तन ले लिया हमने, उसमें हमने बेसन डाल लेंगे, उसमें हमने कॉर्नफ्लावर डाल देंगे, नमक डाल लेंगे, चुटकी भर हींग, अजवाइन, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, इसको हमने अच्छे से मिलाना है और इसमें धीरे धीरे पानी डालते हुए इसको अच्छे से फेटेंगे, जिससे हमारे पकौड़े टेस्टी और फ्लफी बने। दो तीन मिनट तक ऐसे फेटते रहना है। फेटते वक्त एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल भी डाल लें, जिससे पकौड़े वो भी ज्यादा करारे होंगे। सरसों का तेल पकाकर ही डालें। अभी फेट चुका है, इसको ज्यादा पतला नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसमें पालक डालना, पालक का पानी छोड़ेगा, पालक भी पानी छोड़ता है। इसको हमें अच्छे से हाथ से ऐसे पालक को दबाते हुए मिलाना है। पालक को मैश भी करना थोड़ा हाथ से। ज्यादा मैश नहीं करेंगे, हल्का हल्का मैश करेंगे। हाथ से भी थोड़ा फेटेंगे। फिर हमने इसमें प्याज और बारीक कटा हुआ हरी मिर्च भी डाल देनी है, उसको भी अच्छे से मिलाएंगे। तब तक हम इसको तैयार करेंगे, फेटेंगे हाथ से, तब तक हम तेल रख लेते हैं गर्म होने के लिए। कढ़ाई रखेंगे, इसमें सरसों का तेल डाल देना है, तेल को अच्छे से पकने देंगे, जिससे हमने पकौड़े का मिश्रण को अच्छे से घोलना है, फेंटना है। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसे पकौड़े का मिश्रण डालेंगे।
टुकड़े पक चुके हैं, उसको हमें पलट देना है। तो हमें तब तक पकाना है जब तक कि अच्छे लाल ना हो जाए। इसको थोड़ी थोड़ी देर में पलट के अच्छे से पकाएं। पकौड़ों का रंग भी लाल हो चुका है, पालक के पकौड़े बिल्कुल तैयार है, करारे करारे। अब इसको हम निकालेंगे। ऐसे ही बनाना है। पालक के पकौड़े गर्मा गर्म बनके तैयार है। सर्व करने से पहले इसके ऊपर चाट मसाला भी डाल सकते हैं, जिससे टेस्ट और भी अच्छा होता है, और इसको पुदीने की चटनी सॉस के साथ भी खा सकते हैं। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।